ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे और उसकी वीडियोग्राफी का एक फुटेज सोमवार शाम को लीक हो गया। ये वीडियो वायरल हो गया और इसे कई सारे न्यूज चैनलों ने दिखाया। कुछ टीवी चैनलों ने एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट के आधार पर चीजों को वीडियो में दर्शाने की कोशिश भी की। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे, उसकी वीडियोग्राफी और उससे जुड़े तमाम वीडियो अदालत की कार्यवाही के गोपनीय साक्ष्य हैं, जो अब बनारस की जिला अदालत को एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने सुपुर्द कर दिए हैं। दरअसल सोमवार शाम को फुटेज लीक होने के चंद मिनट पहले ही इस मामले में महिला याचिकाकर्ताओं और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सर्वे की वीडियो की कॉपी मांगते हुए अदालत में शपथ पत्र दिया था कि वह यह वीडियो इसलिए मांग रहे हैं ताकि वो इस मुकदमे में आवश्यकता पड़ने पर अपने वकील को दिखाकर आपत्ति दाखिल करेंगे। इस शपथ पत्र में सभी ने लिखा कि वे इस बात की अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि सर्वे के वीडियो की नकल का कहीं दुरुपयोग नहीं करेंगे। इस शर्त पर दोनों वादी और प्रतिवादी पक्ष को वीडियो की नकल देने का आदेश हुआ। जैसे ही वीडियो लीक हुआ तो उसके चंद घंटों बाद हिंदू पक्षकारों ने इसे कोर्ट को लौटाने की बात की। वीडियो और साक्ष्यों के सील्ड पैकेट को लौटाने की बात करते हुए वकील सुधीर त्रिपाठी ने मीडिया को बताया, इस पैकेट में सर्वे कमीशन की कार्यवाही की वीडियोग्राफी का चिप या CD है। यह हमें न्यायालय द्वारा शुल्क देकर मिला है, लेकिन कोर्ट ने अंडरटेकिंग देकर दिया था कि यह किसी को सार्वजनिक नहीं करेंगे, सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। शाम 6:30 बजे वो कोर्ट के कैंपस से बाहर भी नहीं निकल पाई और यह मीडिया में चलना शुरू हो गया। अभी यह लिफाफा खुला ही नहीं तो याचिकाकर्ताओं पर आरोप लग सकता है कि आपने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, इसलिए न्यायालय के संज्ञान के लिए हम इसको वापस कर रहे हैं, इस मांग के साथ कि जिसने लीक किया है उसे दंडित किया जाए। लिफाफे दिखाते हुए वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि वो सील्ड है और पूरी तरह से पैक है और खुले ही नहीं है। इस बारे में और जानकारी के लिए BBC ने हिंदू पक्ष के प्रमुख वकील विष्णु जैन और सुधीर त्रिपाठी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों से ही फोन पर संपर्क नहीं हो सका। विष्णु जैन की सहयोगी वकील रंजना अग्निहोत्री ने मस्जिद के सर्वे के वीडियो के लीक होने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वो कहती हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए, लेकिन यह कौन षड्यंत्रकारी हैं जिसने यह हरकत की है उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। हम तो इसे कोर्ट को दे देंगे और कोर्ट जो चाहे वो करे, यह तो कोर्ट की संपत्ति थी, कोर्ट के लंबे हाथ हैं, कोर्ट जो भी चाहे करे। लेकिन क्या इससे अदालत की कार्यवाही पर असर पड़ेगा? रंजना अग्निहोत्री का मानना है कि हमारे हिसाब से कोर्ट की कार्यवाही पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो अपराधी हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, उनका पता लगाना जरूरी है। ज्ञानवापी मस्जिद समिति, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने भी वीडियो की नकल मांगी थी और साथ ही शपथ पत्र भी दिया, लेकिन उनके वकीलों ने सोमवार की शाम सर्वे वीडियो की नकल नहीं ली क्योंकि उनके मुताबिक वो अदालती कामकाज में व्यस्त थे। इस वीडियो के लीक होने के बारे में सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद समिति के वकील फुजैल अयूबी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से साफ निर्देश थे कि इस मामले पर कोई सनसनी नहीं होगी और मीडिया को कुछ लीक नहीं किया जाएगा और हमें इससे बचना है। जब एक बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ कही है तो वो सभी पक्षों को देखना चाहिए था। सवाल यह है कि एक हाई प्रोफाइल मामले में जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची हो, उसमें क्या इस कदर रिपोर्ट और वीडियो लीक होते पहले कभी देखा गया है? देश के कई न्यूज चैनल ने इस लीक हुए वीडियो को प्राइम टाइम में दिखाया और उस पर डिबेट की। मीडिया की भूमिका के बारे में हैदराबाद की नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा कहते हैं कि मीडिया की ड्यूटी है कि कोर्ट की कार्यवाही की सच्चाई को रिपोर्ट करे। मीडिया को अधिवक्ता कमिश्नर की गोपनीय रिपोर्ट नहीं ब्रॉडकास्ट करनी चाहिए क्योंकि वो कमिश्नर कोर्ट को सौंपते हैं। ऐसा तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी नहीं जाती है और उस वीडियो को कोर्ट में दिखाया नहीं जाता है। तो क्या यह कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है? इस पर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा कहते हैं कि यह तो कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो इस लीक को कैसे देखती है। आमतौर पर कंटेम्प्ट की पावर का इस्तेमाल तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करती है, जिसे हम कानूनी तौर पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं।